हेलो एंड वेलकम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसएस के बारे में जिस तरह से आपने देखा वर्ड था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक्सेल था स्प्रेड सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट था प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर उसी तरह से एम एस 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 क्या है तो याद रख लीजिए डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर डी बी एम एस लेकिन अगर हम इसको देखें डी बी एम एस को डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम अच्छी तरह देखें उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डाटा बेस डेस्कटॉप डाटा बेस ऑब्जेक्ट ऑरियंटेड डाटा बेस लेकिन एक टाइप है इसके अंदर जिसका नाम है डी बी एम एस मगर आर आर का मतलब रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम और अगर असल में देखे तो एम यही है रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम अब अगर सवाल आए आप बताइए एमएसएसएस क्या है कौन सा सॉफ्टवेयर है ये किस सॉफ्टवेयर से यह बिलोंग करता है ये क्या है आपको लिखना है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस अगर ऑप्शंस में यह नहीं था तो अब आपको लिखना है रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर सर चलो मान लिया कि हमने इसको भी लिखना है इसको भी लिखना है लेकिन अगर दोनों के दोनों हो तो पहली प्रेफरेंस आप दोगे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ही क्योंकि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या बोलता है बोलता है रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम मैं वो सॉफ्टवेयर हूं जो रोज और कॉलम्स मतलब जो टेबल्स में डाटा को स्टोर करता है रिटीव करता है बहुत सारी बात है डाटा के डाटा बस याद रखो बहुत बड़ा डाटा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कलेक्ट करता है स्टोर करता है एडिटिंग हो सकती है चेंज कुछ भी हो सकता है फिलहाल वो तो हम आगे देखेंगे ना कि डाटा क्या होता है लेकिन इतना समझो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है रिलेशनल ई एल ए टी आई ओ एन एल रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये टेबल्स होते हैं रोज और कॉलम्स अरे इसी टेबल को तो रिलेशन भी बोलते हैं इसी टेबल को तो रिलेशन भी बोलते हैं यहां पे देखेंगे रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ओके और आपको यह पता ही कि एमएस ऑफिस सूट का एक पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस सूट का एक सॉफ्टवेयर है एमएसएसएस एमएसएसएस खुद क्या है कौन से टाइप का है वो सॉफ्टवेयर डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये। या आप कह सकते हो रिलेशनल डीबीएमएस। अब सर पहले ये बताइए डीबीएमएस क्या है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम याद रख लीजिए यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है डाटा बेस को कितना आसान है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज करना डाटा बेस को तो बताइए डीबीएमएस क्या है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मैनेज करता है डाटा बेस को अब आप मुझे बताइए डाटा बेस क्या होता है मान लिया डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है और मैनेज करता है डाटा बेस को लेकिन ये डाटा बेस क्या है देख लो डाटा बेस होता है जब आप कलेक्शन करते हो रिलेटेड डाटा का सिमिलर डाटा का ये बहुत इंपॉर्टेंट है उधर इधर का डाटा नहीं सेम 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 डाटा रिलेटेड डाटा को अगर आप कलेक्ट करते हो ऑर्गेनाइज करते हो उसको एक फैशन में ऑर्गेनाइज करते हो स्टोर करते हो उसको एफिशिएंटली एफिशिएंटली का मतलब आप उस हिसाब से स्टोर करते हो कि डबलिंग ना हो जाए एक एंट्री आपने कराई एक नाम की एक रोल नंबर सेम सेम एंट्री नहीं होनी चाहिए तो मतलब समझ में आता है कि नहीं तो समझ में आ गया ना डाटाबेस क्या है डाटाबेस है एक ऐसा बेस जिसमें आप क्या करते हो कलेक्ट करते हो रिलेटेड रिलेटेड डाटा ऑर्गेनाइज करते हो एक फैशन में उस डाटा को स्टोर करते हो डाटा एफिशिएंटली एफिशिएंटली का मतलब उस हिसाब से नहीं स्टोर करते कि एक डाटा आप दस जगह लिखते हो कोई नाम है एबीसी इस एबीसी को आप दस जगह लिखते हो ऐसा नहीं करते हो एफिशिएंट स्टोरेज उस डाटा को डाटा बेस क्या है ये ऐसा बेस है जिसमें आप उस डाटा को एसेस भी कर सकते हो एसएस का मतलब रिट्रीव कर सकते हो उस डाटा के के पास आप जा सकते हो निकाल सकते हो वो डाटा अपडेट भी कर सकते हो डाटा फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर्स का डाटा है और प्राइम मिनिस्टर बदल गया अब तो अपडेट करना है ना अप टू डेट रहना है ना अप टू डेट रहना है लेटेस्ट चीजें तो अप टू डेट करनी पड़ेंगी उसके बाद आप उस डाटा तो आपके सामने है उसके बाद जो भी बंदा है जिसको वो जरूरत है डाटा वो इंफॉर्मेशन वहां पे हासिल कर सकता है मतलब वो डाटा अगर यूज फॉर्मेट में आ जाए उसको बोलते हैं ना इंफॉर्मेशन इसीलिए मैंने यहां पे इंफॉर्मेशन लिखा डाटा नहीं लिखा तो आप उस डाटा से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो मैंने क्यों नहीं बोला डाटा हासिल कर सकते हो क्योंकि इंफॉर्मेशन यूजेबल डाटा ही होता है आप क्या वहां से हासिल करोगे हेफज डाटा जो चाहिए डाटा जो यूजेबल फॉर्मेट में हो डाटा वही तो हासिल करोगे इसीलिए मैंने बोला वहां से आप इंफॉर्मेशन को हासिल करते हो और एक बात याद रखना कि छोटा डाटा आप डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं रखते हो आपका फ्रेंड सर्कल है दस बंदों का उसके लिए आप डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करोगे उसके लिए आप एम जो कि एक डी है उसका इस्तेमाल नहीं करोगे ठीक है ना तो याद रखना है छोटा डाटा के लिए ये नहीं करते आप मोबाइल में ही वो सेव करोगे लेकिन बड़े बड़े डाटा के लिए बड़े बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए एम का इस्तेमाल करती हैं खासकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अब देख लीजिए आगे ठीक है यहां तक समझ आया एमएसएस ये रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को पहली प्रेफरेंस दोगे फिर ये लेकिन नॉर्मली ये होता है या यह होता है एक साथ मैंने अब तक किसी एमसीक्यूज में नहीं देखे लेकिन हाँ स्पेसिफिकली एम ये है रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम बताइए जो ये एमएसएसएस है वो किसने डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने कब माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया एस 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 इनिशियल रिलीज कब हुआ पहले कब रिलीज हुआ नवंबर 1992 में एम एस 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 उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं जाना नहीं माना जाता है MS ऑफिस सूट में ऐसा क्यों क्यों नहीं माना जाता ये कम सक्सेसफुल मतलब ज्यादा सक्सेसफुल ये क्यों नहीं माना जाता क्योंकि ये नॉर्मली डिफिकल्ट टू यूज है और ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है यूज़र फ्रेंडली का मतलब डिफिकल्ट टू यूज थोड़ा सा मुश्किल है इस्तेमाल करना इसीलिए हर एक के पास द एम एस 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 नहीं होता अगर होता है तो इस्तेमाल वो नहीं करता ठीक है ना शॉर्ट में अगर ये सवाल आए कि ये ज़्यादा फेमस क्यों नहीं है ये ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं है तो आपको अब लिखना है ये ज़्यादा मुश्किल है यूज़ करना उससे आसान है कि ना किसी बुक पे ही लिख लो या किसी दूसरा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो ये यूजर फ्रेंडली नहीं है यूजर फ्रेंडली का मतलब मुश्किल है यह इस्तेमाल करना ठीक है तो बताइए मैनेजमेंट सिस्टम जो है है वो एक सॉफ्टवेयर जो मैनेज क्या करता है डाटा बेस बताया डाटाबेस में क्या क्या होता है उसमें आप रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो ऑर्गेनाइज करते हो स्टोर करते हो एस करते हो मतलब रिट्यू अपडेट करते हो और इंफॉर्मेशन वहां से हासिल कर सकते हो और क्या यह छोटा डाटा कि बड़ा डाटा रिकॉर्ड करता है ये बड़ा 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 डाटा रिकॉर्ड करता है अब आपके सामने आपने एम एस वर्ड देखा एक्सेल देखा ये पावर पॉइंट देखा अब याद रखना कि हर जगह आपने कुछ चीजें देखी वो मैं फिर से नहीं बताना चाहूंगा लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा नहीं तो इसके दो तीन पार्ट्स आ जाएंगे फिर ऊपर टाइटल बार होता है यहाँ पे नाम होता है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है यहाँ पे मिनिमाइज़ होता है मैक्सिमाइज होता है क्लोज का बटन होता है या रिस्टोर का बटन होता है फिर नीचे रिबंस होते हैं रिबंस के अंदर टैब्स होते हैं और अंदर ग्रुप्स होते हैं फिर यहाँ पे रूलर होता है यहाँ पे हॉर्जेंटल यहाँ पे नीचे टाइटल बार टास्क बार होता है स्टेटस बार होता, होता है यहाँ पे जूम के बटनज़ होते हैं अब वो चीजें फिर से बोलूंगा तो दो तीन लेक्चर फिर से लगेंगे इसलिए आपने वो चीजें पढ़ी हैं मैं एक्स्ट्रा और थोड़ा सा जो चेंज्ड फॉर्मेट है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं देखो समझो इस एम एस एस के अंदर फॉर एग्जाम्पल मुझे डाटा बेस बनाना है मुझे डाटा को कलेक्ट करना है ऑर्गेनाइज करना है स्टोर करना है एस करना है अपडेट करना है और इंफॉर्मेशन वहां से हासिल करनी है मुझे डाटा बेस बनाना है फॉर एग्जाम्पल आप सारे स्टूडेंट्स का मैं डाटा बेस बनाऊंगा तो आप स्टूडेंट्स का डाटा बेस बनाने के लिए मुझे रोज और कॉलम्स में इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूं वो यह है कि ये मिलता जुलता है एक्सेल से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसमें आपने देखा था यह है कॉलम्स ये ना ये ये कॉलम्स है ये कॉलम्स है कॉलम्स है और ये है रोज ये है रोज जिसने आप, जिसमें आपने देखा था यहां पे भी थोड़ा सा सेम है मगर नाम दूसरे हैं जैसे कि कॉलम्स के बदले यहां पे जो नाम इस्तेमाल किया जाता है कहां पे एमएस एस एस में ए सी सी ई एस एस एम एस एक्सेल में नहीं वहां पे कॉलम्स और रोज चलता है यहां पे कॉलम्स के बदले फील्ड्स इस्तेमाल होते हैं और एक्सेल में तो रोज का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन यहां पे रोज को क्या बोलते हैं रिकॉर्ड्स। कैसे याद रखेंगे आर से रोज आर से रिकॉर्ड्स तो बताइए मुझे स्टूडेंट का डाटा बनाना है एक टेबल में ये सारा टेबल है ये सारा टेबल है इस टेबल के अंदर ये है कॉलम्स लेकिन मैं अब कॉलम्स नहीं बोलूंगा कॉलम्स का वर्ड इस्तेमाल होता है एक्सेल में ही जो कि जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है यहां पे इस्तेमाल करना है आपको वर्ड फील्ड्स। तो बताइए ये जो कॉलम्स है उनको क्या बोला जाता है एमएसएसएस में फील्ड्स ये जो रोज है उनको क्या बोला जाता है एमएसएसएस में रिकॉर्ड्स आर से रोज़ और से रिकॉर्ड्स अगर सवाल आए रिकॉर्ड्स कहां से कहां जाते हैं हॉरिजेंटली ये मूव करते हैं कि वर्टिकली ये रिकॉर्ड्स हॉरिजेंटल लाइन है ये देखो ये रिकॉर्ड भाई रिकॉर्ड ये नहीं सोचना आप ये मैंने आपको वैसे एक्सेल में समझाया रिकॉर्ड ये नहीं सोचना ऐसे तो ये भी रिकॉर्ड है ना 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 रिकॉर्ड का मतलब ये ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये रिकॉर्ड है अच्छा फिर फील्ड कॉलम्स वो वर्टिकल ऐसे वर्टिकल इंफॉर्मेशन वर्टिकल इंफॉर्मेशन टॉप से बॉटम इंफॉर्मेशन राइट से लेफ्ट इंफॉर्मेशन नहीं टॉप से बॉटम इंफॉर्मेशन वर्टिकल इंफॉर्मेशन फील्ड मतलब कि जैसे कॉलम्स था स्टूडेंट्स का डाटाबेस बनाना है तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखूंगा रोल नंबर ये सारे रोल नंबर है ये सारा फील्ड रोल नंबर है उसके बाद मैं नेम लिखूंगा ये नेम्स है ये सारा फील्ड लोकेशन लिखूंगा बच्चों का फादर्स नेम और यहां पे मैंने लिखा परसेंटेज फिर मैंने लिखा एडस्ट्रा एडस्ट्रा मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो परसेंटेज लिखा मैंने फॉर एग्जाम्पल बच्चे हैं रोल नंबर वन है रोल नंबर टू है रोल नंबर थ्री है फोर है फाइव है नेम है उस्मान उस्मान आमिर आमिर फॉर एग्जाम्पल नेम मिलता जुलता है फॉर एग्जाम्पल लेकिन यहाँ पे उस्मान हमीद है उस्मान यूसुफ है यहाँ पे आमिर हमीद है पे है पे आमिर आमिर यूसुफ है है या कोई दूसरा नाम भी फॉर एग्जाम्पल ले लो मैं आपको ये बाद में बताऊंगा मैंने सिमिलर नाम क्यों लिए की समझाने के लिए की 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 जो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कहां पे की कहा गए भाई वो तो यहीं पे वो तो यहीं पे यहीं पर बतानी है ना की क्या है देखो सर अब फॉर एग्जाम्पल ठीक है सर आपने नाम लिया रोल नंबर लिया नाम लिया लोकेशन लिया फादर्स नेम लिया परसेंटेज लिया परसेंटेज भी सेम सेम हो सकती है ये देखो सेवेंटी सेवनटी तो ये जो आपने रोल नंबर नेम लोकेशन फादर्स नेम परसेंटेज या एक्ट्रा ये जो कैरेक्टर्स आपने लिए कैरेक्टरिस्टिक्स उनको बोला जाता है एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट्स का ये एट्रीब्यूट है या स्टूडेंट्स के डाटा बेस के ये सारे एट्रीब्यूट है आप और एट्रीब्यूट भी एड कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल मदर्स नेम क्या है डिग्री सर्टिफिकेट कितनी है कौन से एग्जाम को रिसेंटली ज्वाइन किया था कब इसने डिग्री खत्म की थी और भी वगैरह वगैरह बातें तो इनको बोला जाता है एट्रीब्यूट ठीक है अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरा ध्यान रख लेना प्लीज देखो भाई एक है जो ऊपर ये नाम है जिनको आप एट्रीब्यूट बोलते हैं लेकिन स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स डाटा के एट्रीब्यूट हर एक डाटा बेस का अलग अलग एट्रीब्यूट होता है ठीक है जो ये ऊपर है इनको बोलते हैं फील्ड नेम या लेबल भी बोलते हैं क्योंकि ये सारा फील्ड है कॉलम है ना कॉलम है ना फील्ड है ना कॉलम है ना कॉलम है ना फील्ड है ना ये सारा फील्ड है तो ये सारा जब फील्ड है ऊपर नाम है तो इसको बोलते हैं फील्ड नेम। ये सारा फील्ड है ऊपर नाम है इसको बोलते हैं फील्ड नेम। ये सारा फील्ड है ऊपर नाम है तो इसको बोलते हैं फील्ड नेम। ये फील्ड नेम क्या है रोल नंबर ये 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 एक्चुअली लेबल्स होते हैं नाम होते हैं भाई ऊपर नाम होता है फील्ड नेम नीचे इंफॉर्मेशन है फील्ड नेम के नीचे फील्ड सारे फील्ड है ना ऊपर है फील्ड नेम ये जो इंफॉर्मेशन है फील्ड नेम के नीचे उसको बोलते हैं फील्ड टाइप या डाटा टाइप और इसके अंदर टेक्स्ट हो सकता है जैसे ये देखो टेक्स्ट नंबर हो सकता है जैसे ये देखो नंबर करंसी हो सकती है चलो यहां पे अगर लिख ले सिक्सटी रुपीज इसने कमाए फॉर एग्जांपल करंसी भी हो सकती हैं सिंबल्स भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इसको अल्फा मार्क्स मिले बीटा मार्क्स मिले गामा मार्क्स एग्जाम्पल 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 दे रहा हूं तो फील्ड टाइप या डाटा टाइप क्या होता है वो या तो नंबर फॉर्मेट में होता है या तो करेंसी फॉर्मेट में होता है या तो नेम या टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है या तो सिंबल फॉर्मेट में होता है या तो अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है अल्फा बिट और नंबर्स भी मिला के एट्रा लिखा है ना अल्फा न्यूमेरिक अब आपको समझना क्या है समझना ये है सवाल अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप बताइए कि जो भी डेटाबेस है उसका जो लेबल होता है नाम जो होता है फील्ड्स का उसका करना, उसको क्या बोलते हैं फील्ड नेम और हर एक डेटाबेस के अलग-अलग एट्रीब्यूट्स -अलग होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फील्ड नेम दिखाने के हैं अगर ये सवाल पूछूं कि फील्ड नेम के नीचे जो फील्ड के नीचे होती है इंफॉर्मेशन या डाटा उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं फील्ड टाइप या डाटा टाइप वो किस किस तरीके के हो सकता है कौन कौन से टाइप का हो सकता है या तो टेक्स्ट होगा नंबर होगा करेंसी होगा सिंबल होगा अच्छा अब यह बात याद रखना यह मैंने बोला फील्ड है ऊपर से नीचे जाता है फील्ड है कॉलम है बोला ना तो एक पूरा फील्ड एक पूरा कॉलम एक पूरा फील्ड जितनी जगह लेता है जितना उसका साइज है उसको बोलते हैं फील्ड स्पेस या फील्ड साइज या फील्ड लेंथ फिर से बोलूंगा बताइए मुझे ये एक फील्ड है पूरा इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे फील्ड स्पेस या बोलेंगे फील्ड साइज या कभी कभी बोलते हैं फील्ड लेंथ भी ठीक है ना तो जैसे कि यहां पे मैंने ऐसे दिया हुआ है लोकेशन वाला फील्ड है और इसका फील्ड स्पेस फील्ड साइज या फील्ड लेंथ एक ही नाम है ये, है, है, है ये क्या बताता है ये बताता है लेंथ और ब्रेड या कितनी स्पेस है या कितना साइज है एक फील्ड के अंदर ये एक्चुअली क्या दिखाता है ये दिखाता है लेंथ और ब्रेड या लेंथ और breadth, कि कितनी है एक फील्ड के अंदर क्या लेंथ है क्या विड्थ है फील्ड के अंदर क्या साइज है उसका क्या स्पेस है उसका ओके okay. अब याद ये रखना कि जितने भी ये फील्ड्स है ऊपर से नीचे तक और जो ये रिकॉर्ड्स है ऐसे इन सब को बोला जाता है टेबल और टेबल का दूसरा नाम है रिलेशन भी इसी टेबल में आप इंफॉर्मेशन या डाटा 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 क्योंकि डाटा आप स्टोर करते हो लिखते हो तो आप डाटा हो फिर जब इन, चाहिए वो चीज चाहिए उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन तो याद रखना आप इसमें स्टोर करते हो डाटा किसमें टेबल में इस टेबल में एक टेबल किस किस का बना हुआ है फील्ड का बना हुआ है रिकॉर्ड का बना हुआ है फील्ड में ऊपर क्या होता है फील्ड नेम लेबल उसके नीचे होता है फील्ड टाइप या डाटा टाइप एक फील्ड का साइज कितना है उसको बोलते हैं फील्ड स्पेस फील्ड साइज या फील्ड लेंथ वो बताता है लेंथ और ब्रेड कितनी है अब ये समझना है आपको फॉर एग्जाम्पल आप मैं आप ये बढ़ रहे हो आप ये बढ़ रहे हो नाम बढ़ रहे हो लोकेशन बढ़ रहे हो फादर्स नेम बढ़ रहे हो फादर्स नेम बढ़ रहे हो परसेंटेज बढ़ रहे हो आप चीजों को बढ़ रहे हो लेकिन आपके इस डाटा बेस में चाहे स्टूडेंट का हो चाहे एम्प्लॉइज का हो चाहे किसी प्रोजेक्ट्स का बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का हो चाहे टीचर्स का हो चाहे इंडस्ट्रीज का हो चाहे बिजनेस यूनिट चाहे किसी का भी डाटा बेस हो लेकिन एक डाटा बेस में कम से कम एक प्राइमरी की होनी चाहिए जो कि डाटा को यूनिक बनाएगा फॉर एग्जाम्पल सर क्या बोल रहे हो प्राइमरी की एक पूरा फील्ड होता है पूरा फील्ड होता है लेकिन ऐसा फील्ड जो कि अंदर से जिसके अंदर से जो रिकॉर्ड्स है वो एक दूसरे से नहीं मिलते ठीक है ना ये सारे रिकॉर्ड्स है ना अच्छा वो एक दूसरे से नहीं मिलते फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक लिया कॉलम या फील्ड लिया मैंने एक कॉलम एक फील्ड एक लिया उसके अंदर जो ये अलग 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 रिकॉर्ड्स है इनका एक दूसरे से अगर डाटा नहीं मिलता अगर ये एक दूसरे से नहीं मिलते ये यूनिक है तब इस पूरे फील्ड को बोलेंगे ये है प्राइमरी की या कब इसको बोलते हैं प्राइमरी की फील्ड भी और कम से कम ये एक होना चाहिए एक डाटा बेस में जैसे कि क्या ये फील्ड प्राइमरी की है बताइए नहीं सर क्यों उस्मान है उस्मान है कहाँ से पता चलेगा कौन सा उस्मान है कौन सा उस्मान है आमिर है आमिर है आमिर है कहाँ से पता चलेगा कौन सा वाला आमिर कौन सा वाला नहीं आमिर अच्छा अच्छा सर आगे पता चलेगा देख लीजिए पता चल जाएगा अच्छा ठीक है उस्मान हमीद उस्मान यूसुफ ओ अलग अलग हुआ मगर इसका क्या आमिर हमीद यहाँ पे भी आमिर हमीद फंस गए ना तो एक ऐसा फील्ड पूरा होना चाहिए जो कि यूनिक हो जो कि एक दूसरे से ना मिलता हो चलो सर परसेंटेज देखते हैं कहाँ है यूनिक ये तो मिलते हैं ना एक दूसरे से ये सेवेंटी सेवेंटी मिलते हैं ना एक दूसरे से तो ये प्राइमरी की नहीं है हमीद हमीद यूसुफ 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 अच्छा ये यूनुस है चलो हमीद 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 तीन मिले अब ये नहीं मानी जाएगी प्राइमरी की लोकेशन अलग अलग सेम भी हो सकती है ना कभी कभी लोकेशन सेम भी होती है बच्चे एक साइड से भी आ सकते हैं तो नहीं मानी जाएगी नाम बहुत सारों उनका सेम भी होता है उस्मान उस्मान आ, बहुत सारे बच्चों का सेम नाम भी होता है ना तो नहीं मानी जाएगी वो प्राइमरी की फील्ड लेकिन ये कॉलम ये फील्ड माना जाएगा प्राइमरी की फील्ड क्यों क्योंकि रोल नंबर उनको अलग अलग है रोल नंबर एक ही रोल नंबर चार पांच बच्चों को नहीं होता रोल नंबर अलग अलग दिया जाता है यूनिक है ये, इसीलिए जिस जिस कॉलम में या फील्ड में स्पेसिफिकली बोलूं जिस फील्ड में ये यूनिक डाटा रखा जाता है और डाटा बेस में एक कम से कम ये डाटा रखा जाता है फील्ड में उसको बोलते हैं प्राइमरी की और याद रखना एक डाटा बेस में कम से कम एक प्राइमरी की होनी चाहिए तभी तो पता चलेगा ना कि वो कौन सा बच्चा है ये कौन सा बच्चा है ये कौन सा बच्चा है वो कौन सा बच्चा है ठीक है सर ये हम प्राइमरी की क्या है ये चीजें हम आगे भी देखेंगे और आपके दिमाग में ये आई होंगी ये चीजें वैसे ये हमें आगे भी देखने हैं ये हम लेकिन आपके दिमाग में ये चीजें आ गई होंगी अब है फॉर्म क्या है रिपोर्ट क्या है क्वायरीज क्या है ये और टेबल क्या है टेबल तो आपने देख लिया फॉर्म क्या है आपने जेके एस एस बी का फॉर्म भरा आपने क्लास फोर्थ का भरा होगा आपने पंचायत असिस्टेंट का भरा होगा आपने जेके बैंक का फॉर्म भरा होगा आप वहां पे फॉर्म भरते हुए क्या करते हो आप वहां पे एंटर ही तो करते हो ना डाटा अगर कभी आए एंटर करने का डाटा को क्या बोलते हैं फॉर्म आप वहां पे इनपुट ही तो डालते हो ना अपना क्वालिफिकेशन नाम फादर्स नेम रोल नंबर परसेंटेज चांसेस कितने दिए इनपुट ही तो डालते हो ना आप उधर ऐड करते हो चीजें इनपुट करते हो चीजें या आप एडिट भी करते हो जैसे कि बैंकिंग 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 जेके बैंक में आपने अगर पुराना फॉर्म भरा हुआ होगा तो ये फॉर्म में आपको सिर्फ एडिटिंग करनी थी ताकि ये पता चलता कि यह फिर से एग्जाम देता है ना तो मकसद की बात है फॉर्म आपने अब याद रखा कभी नहीं बोलोगे फॉर्म भरना एंटर करना डाटा इनपुट देना ऐड करना कुछ फॉर्म में और एडिट करना फॉर्म को ये फॉर्म के अंदर आता है टेबल तो आपको पता है स्टोर करते हो अब डाटा टेबल में तीसरा क्या है टेबल भी हो गया जिसका दूसरा नाम रिलेशन है इसीलिए बोलते हैं टेबल 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 आपके सामने ये रिलेशन है ना इसीलिए मैंने बोला था आपको यह लिखना है अगर दोनों आए रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्योंकि टेबल्स में है एम एस एस टेबल में ही काम करता है टेबल में ही काम करता है टेबल में ही काम करता है अब रिपोर्ट क्या होती है आपने देखा होगा आपका रिपोर्ट कार्ड आता है आपका रिपोर्ट कार्ड आता है वो है आउटपुट या आप जब फॉर्म भरते हो बैंकिंग का तब आप बोलते हो मुझे आप फॉर्म निकाल के दे दो प्रिंट आउट मुझे आउटपुट निकाल के दे दो प्रिंटर से ताकि मैं ये फॉर्म एक ही मतलब अपनी जगह रखूं तो वो आप फॉर्म कह सकते हो वो है रिपोर्ट लेकिन अगर हम एसएस की बात करें आप जब जेके एस में फॉर्म भरते हो ना तो आपका डाटा बेस सच्ची मुच्ची बनाया जाता है पूरा जेके एस बनाता है यह डाटा बेस कि बच्चा आया इतने लोकेशन से इस लोकेशन से आए ये बच्चा आया इसका रोल नंबर हम ये रखने वाले हैं तो डाटा बेस आ, एक, एक बच्चे का एक एक डाटा बेस बनेगा नेम उसका उसका एड्रेस उसका रोल नंबर उसकी क्वालिफिकेशन उसका ये उसका वो इसका एट्रीब्यूट उसका एट्रीब्यूट उसका एट्रीब्यूट तो मकसद की बात यह है कि रिपोर्ट होता है वही या जब आप प्रिंट करते हो डाटा को या जब आप आउटपुट लेते हो असल में जब आप आउटपुट लेते हो जिसको आप बाद में इस्तेमाल करते हो जेके एस वालों को वो बाद में इस्तेमाल तो आता है ना समझो इस बात को फॉर्म होता है जो यहां से देते हो एंटर करते हो डाटा इनपुट करते हो एड करते हो एडिट करते हो रिपोर्ट होता है जो डाटा डालने के बाद बच्चों ने डाटा डाला बहुत सारे यूनिट्स ने डाटा डाला लास्ट में क्या डाटा का रिजल्ट आता है आउटपुट क्या है डाटा का एक साथ सबको जमा करके जैसे कि आपने एडमिशन किया आपने फॉर्म भरा हमने आप सबका ग्रुप्स बनाए ये बनाए वो बनाए हमने रिपोर्ट बनाई ठीक है ना और जैसे कि ये याद रख लेना जब आप कोई चीज प्रिंट करते हो ना आप अधूरी इंफॉर्मेशन आप सिर्फ अपना नाम प्रिंट नहीं करोगे जो जो आपने फॉर्म में एंटर किया जो जो, जो आपने इनपुट दिया जो जो, जो आपने एड किया जो जो, जो आपने एडिट किया फॉर्म में उसको आप प्रिंट आउट निकालते हो तो रिपोर्ट क्या है प्रिंट आउट प्रिंटिंग प्रिंटिंग आउटपुट या जिसका आप बाद में इस्तेमाल करते हो यह रिपोर्ट आप प्रिंट आउट करते हो बाहर प्रिंटिंग करते हो यह प्रिंट आउट भी हो सकता है लेकिन जेके एस एस बी इस रिपोर्ट को आगे अपने डाटा बेस में भी सेव करते हैं और बोलते हैं यह है रिपोर्ट बच्चों का ठीक है ठीक है सवाल अगर आए अगर आप प्रिंटिंग करते हो डाटा को क्या वो फॉर्म है या रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है प्रिंटिंग आप हमेशा करते हो कंप्लीट इंफॉर्मेशन को जिस, जिसको आप फॉर्म में भरा था क्वायरीज क्वेरीज़ होता है गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा इन टेबल्स अब फॉर एग्जाम्पल हमने आपका डाटा भरा क्वेरीज होते हैं किसी बच्चे ने बोला सर मेरा ये फीस पेंडिंग है मैंने ये करा मैंने ये करा मैंने ये करा इतने मार्क्स आ गए मेरा वो एडिट करो नाम मेरा तो हम इस पूरे टेबल से डाटा को इंफॉर्मेशन डाटा मतलब हासिल करेंगे इस पूरे टेबल से हम इन्फॉर्मेशन को गेट करेंगे फ्रॉम द डाटा इन टेबल्स में इंफॉर्मेशन लेंगे क्योंकि हम लेते हैं हमेशा यूजेबल इंफॉर्मेशन ही डाटा होता है इन यूजेबल फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन ही तो जो डाटा टेबलेशन को गेट करोगे कैसे क्वॉरीज से क्वॉरीज में कैसे आपने अपना नाम दिया मैंने सर्च किया सर्च किया तो आपका नाम आ जाएगा फादर्स कर सर्च किया तो नाम आ जाएगा सर्चिंग इंजन है ये Quiries से आप सर्च कर सकते हो आप जगह पे पहुंच सकते हो और आपके सवाल का जवाब फिर मिल जाएगा क्वैरीज होते हैं questions. Questions जब भी उठते हैं तो सर्च हो जाता है हाँ डाटा से सर्च करना है उसके साथ ये हुआ उसके साथ मतलब कोई भी मसला हो कोई भी क्वा हो तो सर्च करना पड़ेगा और इंफॉर्मेशन को हासिल करना पड़ेगा फ्रॉम द डाटा इन टेबल्स अब है इसको स्टार्ट कैसे करते हैं स्टार्ट बटन दबा के ऑल प्रोग्राम्स एमएस ऑफिस और एमएस एसएस दबा के या तो आप डेस्कटॉप पे अगर है डायरेक्टली क्लिक करो टास्क बार पे हटो तो, डायरेक्टली क्लिक करो अब यहां पे एक मसला है डिफॉल्ट फाइल नेम क्या है यहां पे प्रॉब्लम है बहुत जगह पे आपको मिलेगा टेबल वन बहुत जगह पे आपको मिलेगा प्रोजेक्ट वन मैंने दोनों के दोनों लिखे तो ऐसा है किसी किसी फॉर्मेट में प्रोजेक्ट वन होता है किसी किसी फॉर्मेट में किसी किसी वर्जन में टेबल वन है

फाइल एक्सटेंशन 2007 वर्जन के पहले पहले जो वर्जन आए एम एस के उनका जो एक्सटेंशन होता था फाइल का वो था डॉट एम बाद बाद जो टू आए ये सवाल आता है याद रखना उनका जो एक्सटेंशन है फाइल एक्सटेंशन डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन वो है डॉट ए सी सी डी बी डिफॉल्ट डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कंपोनेंट क्या है एमएसएसएस के आपने अभी पढ़ा चार है, टेबल क्वाज रिपोर्ट फॉर्म बता मुझे टेबल्स आपको बताया जिसमें आप स्टोर करते हो इंफॉर्मेशन क्वायरीज बताइए जब आप इंफॉर्मेशन को हासिल करना चाहते हो फ्रॉम द डाटा इन द टेबल्स रिपोर्ट्स बताइए रिपोर्ट्स मतलब आउटपुट रिपोर्ट कार्ड याद है ना आउटपुट प्रिंटिंग ठीक है ना जिसको बाद में इस्तेमाल करोगे फॉर्म्स फॉर्म्स मतलब इनपुट जो आप बरते हो जो आप इंफॉर्मेशन एडिट करते हो ठीक है ना इतना ही नहीं और भी बात मुझे बता मुझे बता इसको क्या बोलते हैं इनको इनको रोज नहीं बोलते हैं। आर से रोज और आर से बताइए बताइए खुद ही रिकॉर्ड्स और ऊपर फील्ड्स ओके अब आगे एमएसएसएस टेम्पलेट्स देखो मेरे भाई जब आप एम खोलते हो ना तो आपके सामने टेम्पलेट्स आते हैं टेम्पलेट्स मतलब जो आपके सामने पहले से आएंगे डिजाएंस, जो डिजाएंस आप इस्तेमाल कर सकते हो कंटैक्ट्स वाले फैकल्टी वाले स्टूडेंट्स वाले प्रोजेक्ट वाले एसेट्स वाले और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स आते हैं हाँ सर टेम्पलेट आएगा ऐसे ऐसे उसके ऊपर था होगा स्टूडेंट फिर होगा कंटैक्ट ठीक है ना इसी तरह फिर होगा वो तो स्टूडेंट्स का अलग से का अलग से फैकल्टी का प्रोजेक्ट्स का एसेट्स का या ऐसे होगा 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 सीरियल नंबर कंटैक्ट वन ठीक है ना सेकेंड कंटैक्ट थर्ड कंटैक्ट किसी का किसी एक का तो समझ आ रहा है ना अलग अलग टम्पलेट्स आ जाएंगे फैकल्टी के अलग फैकल्टी डिटेल्स स्टूडेंट डिटेल्स प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हो गए किस तरह के प्रोजेक्ट्स थे एसेट्स याद रखना डीबीएमएस जो कि एक सॉफ्टवेयर है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप उसको सिर्फ डाटा से जोड़ते हो डाटा बेस से क्या ऑर्गेनाइज करना है फैशन में ऑर्गेनाइज होना चाहिए स्टोर होना चाहिए लार्ज डाटा होना चाहिए इजीली एक्सेसबल होना चाहिए एफिशिएंट मैनर में स्टोर होना चाहिए अगर आप डाटा बेस मतलब डाटा को जोड़ते हो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम से एक तो अब आपके पास सॉफ्टवेयर है ऊपर से आपके पास डाटा भी है दोनों को सॉफ्टवेयर को भी डाटा को भी दोनों को मिला के बोलते हैं डाटा बेस सिस्टम अब उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ एमएसएसएस कौन कौन से एलिमेंट्स एमएसएसएस के तो याद रखना फील्ड नेम जो कि मैंने आपको बोला लेबल ये मैंने बोला ना फील्ड नेम फील्ड नेम बोला ना ये है ना लेबल ये नाम जो है फील्ड्स के ऊपर ये होता है और उसके नीचे होते हैं फील्ड टाइप या डाटा टाइप

इनके अंदर जब आप कुछ लिखते हो क्योंकि फील्ड नेम के नीचे है फील्ड टाइप डाटा टाइप अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट सिंबल्स करेंसी आपको याद है ना जब भी आप कुछ लिखते हो तो याद रखना याद रखना डिफॉल्ट साइज है पचास आपका डिफॉल्ट साइज वहां पे पचास ही होता है फील्ड लेंथ क्या है बता मुझे फील्ड की लेंथ फील्ड की लेंथ फील्ड का कितना साइज है फील्ड की कितनी लेंथ है फील्ड लेंथ भी बोलते हैं फील्ड साइज भी बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेड बताता है ये फील्ड का प्राइमरी की क्या है एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप डाटा भरते हो लेकिन यूनिक आइडेंटिटी होती है उन सब की जैसे रोल नंबर्स एक दूसरे से नहीं मिलते अच्छा वैलिडेशन रूल क्या होता है जब आप ये एमएसएसएस को खोलोगे तो आपको आप डाटा करोगे डाटा बेस में एंटर यही तो आपका काम है ना डाटा को डाटा बेस में एंटर कराना या डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा बेस को लगाना सॉरी डाटा बेस जो आपके सामने है वो डाटा बेस में या डाटा जो है आपके सामने वो डाटा बेस में इस्तेमाल करना या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से इस्तेमाल करना शॉर्ट में डाटा को डाटा बेस बना देना फॉर एग्जाम्पल डाटा को डाटा बेस बना देना लेकिन जब आप इस एमएसएसएस को काम करते हो तो आपके सामने एक आता है रूल वैलिडेशन रूल वो बोलता है क्या आप ये चीजें एक्सेप्ट करते हो बिफोर एंटरिंग डाटा इन डाटा बेस आप आई एग्री कि मैं इस लाइसेंस को एक्सेप्ट करता हूं वही उसी को बोलते हैं वैलिडेशन रूल उसके बाद है डाटा बेस इंजन यह बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है लेकिन हार्ड डिस्क के साथ इस सॉफ्टवेयर को जब लिंक करता है ना वो कौन लिंक करता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो लिंक करता है उसको बोलते हैं डाटा बेस इंजन डाटा बेस इंजन एक ऐसा एलिमेंट है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है एक ऐसा मटेरियल है एक ऐसा आपको डिवाइस भी बोल सकते हो ऐसा है जो कि लिंक करा सकता है किसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हार्ड डिस्क के साथ अब याद ये भी रखना और एक पॉइंट है एलिमेंट ऑफ एम में रिलेशन क्या होती है रिलेशन होती है आपके सामने ये चलो कॉलम्स हैं और रोज है ठीक है ना रिकॉर्ड्स है ठीक है ये चीजें हैं आपके सामने लेकिन जब आपके सामने ये सारे हैं ये एक टेबल है आपके सामने दूसरा होगा और आपने दूसरा टेबल बना दिया इस टेबल को टेबल के साथ आप रिलेशन दे सकते हो और रिलेशन तीन तरह की हो सकती है एक टेबल को आप एक टेबल के साथ लिंक करते हो रिलेशन देते हो उसको बोलते हैं वन टू वन रिलेशन तीन टाइप से रिलेशन के वन टू वन रिलेशन वन टू मनी रिलेशन एक टेबल की रिलेशन है बहुत सारे टेबल्स के साथ और तीसरा है मनी टू वन रिलेशन मनी टेबल्स बहुत सारे टेबल्स की रिलेशनशिप है लिंकेजेस है विद एक टेबल वन टेबल मनी टू वन टेबल मनी टू वन रिलेशन ओके रिलेशन कितने टाइप के तीन की वन टू वन वन टू मनी मनी टू वन और ये क्या है रिलेशन ये टेबल्स टेबल्स को दूसरे के साथ लिंकेजेस है एट्रीब्यूट आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए रोल नंबर नेम ब्रांच सेमिस्टर एग्जाम फादर्स नेम मदर्स नेम रेजिडेंस क्वालिफिकेशन एट्सट्रा एम एस 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 व्यू ये याद रखना दो तरह का है डाटा व्यू और डिजाइन व्यू डाटा व्यू में आप एडिट या एंटर कर सकते हो चीजों को और डिजाइन व्यू में आप टेबल को ही चेंज कर सकते हो टेबल को ही डिजाइन दे सकते हो टेबल को ही क्रिएट कर सकते हो डाटाबेस व्यू के अंदर बोलता है टेबल के अंदर बातें लेकिन डिजाइन व्यू बोलता है आप टेबल को ही चेंज करो ठीक है ना एंटर एडिट तो बाद में एंटर आप यहां पे करोगे या एडिट करोगे और यहां पे आप चेंज या क्रिएट करते हो टेबल को और एक है लास्ट में फिल्टरिंग डाटा फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारा डाटा है क्योंकि डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का लार्ज डाटा रिकॉर्ड करना होता है और आपने फॉर एग्जाम्पल आपका कोई नाम है ए बी सी डी के नाम से तो आपने ए लिखा बी लिखा तो आपके सामने ए बी सी डी वाले ही आ जाएंगे तो आपने फिल्टर किया डाटा डिस्प्ले किया आपने नीडेड डाटा उसी को बोलते हैं फिल्टरिंग डाटा अब आपको यह भी जानना है कि यह जो मैंने ऊपर बोला फील्ड टाइप या डाटा टाइप वो सारे क्या, क्या कौन कौन से होते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला फील्ड टाइप डाटा टाइप में टेक्स्ट को एंटर कर सकते हो नंबर को करेंसी को सिंबल को एक्स्ट्रा का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा डाटा टाइप या फील्ड टाइप में एक्स्ट्रा का मतलब डेट टाइम डेट टाइम करेंसी ठीक है ना हाइपर लिंक देखो अब मैं बात करूंगा टेक्स्ट की अगर आपका यह टेक्स्ट है फील्ड टाइप है टेक्स्ट फील्ड टाइप है टेक्स्ट टेक्स्ट नंबर नहीं है है तो आपका साइज़ हो ना फील्ड के अंदर जो साइज होता टू फिफ्टी फाइव कैरेक्टर्स तक अगर आपका मेमो है मेमो का मतलब होता है लॉन्ग टेक्स्ट बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट आपने किए तब आपका फील्ड साइज होता है जीरो से लेके सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव कैरेक्टर्स तक अगर आप नंबर को एंटर करते हो फील्ड साइज तब होता है वन टू फोर एट बाइट करंसी याद रखना सवाल आएगा आठ बाइट्स होता है और यह याद रखना यस yes, नो no, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यस yes, नो no वाला यस नो डाटा टाइप अगर आपका है सिर्फ यस yes करना और नो no करना उसके लिए एक ही बिट लगता है जीरो या वन सिर्फ जीरो या वन फील्ड लेंथ होती है डेट या टाइम के लिए आठ बाइट्स होते हैं ओ ऑब्जेक्ट के लिए ओ क्या होता है ओ क्या होता है सॉरी ओ ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बिडिंग ओएलई क्या है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एमबिडिंग ये किसके लिए इस्तेमाल होता है अगर आप इस एस के अंदर कोई मल्टीमीडिया, कोई पिक्चर कोई मल्टीमीडिया, कोई कोई भी चीज इंसर्ट किया कोई साउंड डाला कोई पिक्चर डाला कोई एनिमेशन डाला कुछ भी मल्टीमीडिया से कुछ पिक्चर विक्चर इंसर्ट की तो उसको बोलते हैं ओ एल ई उस वक्त और ओ एल ई के मामले में ओ एल ई के मामले में ओ एल ई के मामले में, -E में यहां पर मैंने लिखा नहीं है वन जी बी तक आप इस्तेमाल कर सकते हो तो वन जी आप उसमें उसका फील्ड लेंथ क्या होगा ऑयली का वन जी और आपको पता है हाइपर लिंक तो आपको पता ही है ये मैंने पढ़ाया हुआ है ग्रीन में अक्सर आता है जब आप क्लिक करते हो तो आप ब्राउजर पे जाते हो और इंटरनेट पे डायरेक्ट जाते हो जैसे विकिपीडिया में वो ग्रीन ग्रीन आते हैं आप उनको क्लिक करते हो उसके लिए टू जीरो का फील्ड साइज है या फील्ड लेंथ है अब आपके जो शॉर्टकट कीज ऑफ एम एस एस है वो यहां पे है लेकिन बहुत सारे शॉर्टकट कीज वर्ड से मिलते हैं और बाकी चीजों से मिलते हैं तो आप देख लीजिए भाई ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं ऐसा कोई नया नहीं हो सकता कंट्रोल प्लस एन नया कंट्रोल प्लस ओ ओपन करना डाटाबेस एग्जिस्टिंग डाटाबेस ओपन करना आर्ट प्लस एन नया डाटाबेस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना आर्ट प्लस ओ ओपन करना डाटाबेस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल प्लस एस सेव करना डाटाबेस ऑब्जेक्ट कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करना डाटाबेस और सिलेक्टेड डाटा ऑब्जेक्ट्स ये आप एक बार देख लो सारे देख लो ये देखो ना ये चीजें तो आपने पढ़ी होंगी ये आप आराम से देख लो जो समझ नहीं आया मुझे बताओ मैं आपके लिए इसके लिए वीडियो भी लाऊंगा लास्ट में जिसमें मैं शॉर्टकट कीज को कि ट्रिक आपको बताऊंगा अलग अलग में फ़िलहाल आप देख लो बहुत आसान है पेज डाउन से नेक्स्ट स्क्रीन पेज अप से प्रीवियस स्क्रीन आ जाना फर्स्ट रिकॉर्ड पे लास्ट रिकॉर्ड पे नेक्स्ट रिकॉर्ड इस तरह और प्रीवियसली रिकॉर्डेड आपने किया कुछ रिकॉर्ड आपका आपके सामने रिकॉर्ड होता है ना तो ये डिज़ाइनिंग व्यू है डिज़ाइन व्यू खोल खोलने का तरीका क्या है ठीक है ना इसी तरह और प्रॉपर टी शीट डिस्प्ले करने का डिज़ाइन व्यू है ये प्रॉपर्टी शीट्स का होता है इसी तरह इसी तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन टेक्स्ट को फाइंड करना रिप्लेस करना टेक्स्ट ये चीज़ें मुझे लगता है 90 परसेंट चीज़ें आपने पढ़ी होंगी फिर भी आप इनको देख लो नहीं समझ आता मुझे कमेंट करो वैसे भी लास्ट में मैं कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा लास्ट में सिलेबस के बाद में जब हम ट्रिक्स आपको पढ़ाएंगे क्योंकि सारे सिलेबस खत्म होने के बाद मैट्रिक्स लाऊंगा आपके सामने तो उसमें मैं एक दूसरे के कंपैरिजन बहुत अच्छी तरह कराऊंगा और आपको आसान भाषा में किस तरह याद रखे क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकता है बच्चा क्या ये उसका है कि इसका है तो उस हिसाब से ये लाऊंगा लेकिन एम एस कंप्लीट हो गया ओके बाय